देखिए इस नृत्य के जो मुख्य अवयव हैं वो है अलारिपु, जाति स्वरम, पीछे मोमो आएगा, शब्दम, वर्णम, पदम। ये इसके मुख्य अवयव एग्जाम में ऐसे आते हैं। अलारिपु का संबंध किस नृत्य से है, तो ये नृत्य हैं। और एक है जावली, तीव्र गति के साथ लघु प्रेम गीत काव्य जो होता है उसे जावली कहते हैं। और थिल्लन एग्जाम में सबसे, ये अलारिपु और थिल्लन ये जरूर याद कर लीजिए, ये प्रस्तुतिकरण की समापन अवस्था कहलाती है। और एक कटका मुख हस्त जो है, आपने देखा होगा फिल्मों में तीन उंगलियों को जोड़ करके जो ओम का निशान बनाते हैं उसे कटका मुख हस्त कहते हैं, जिसका संबंध भरत नाट्यम से है। अब हम देखें अगर इस नृत्य को जो करने वाले मेन हैं, वो मेन जो इस नृत्य को करने वाले हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और लक्ष्मी विश्वनाथन। एग्ज़ाम में केवल वही क्वेश्चन आते हैं जो हाल ही में इनमें से कोई अगर किसी की मृत्यु होती है या किसी को कोई अवार्ड मिलता है या कोई किसी नृत्य के कारण बहुत ही फेमस होता है तो वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। वो आपको करंट अफेयर की वीडियोस में मैं करा दूंगा। तो अगला डांस देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है ये आंध्र प्रदेश का डांस है। और कुचिपुड़ी जो है इसकी जो अधिकांश प्रस्तुतियां होती हैं वो भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। एक बार एग्जाम में आया मंडूक शब्दम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी में एक मेंढक की कहानी को दिखाया जाता है तो उसको मंडूक शब्दम कहते हैं। एक आपने देखा होगा पीतल की तस्तरी के किनारे पर पैर रख करके नृतक नृत्य करता है उसे तरंगम कहते हैं। और एक आपने देखा होगा नृत्य करते हुए पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाने की जो कला होती है उसे जल चित्र नृत्यम कहते हैं। तो जल चित्र नृत्यम, मंडूक शब्दम और तरंगम का संबंध कुचिपुड़ी से है। इस नृत्य को दो पति पत्नी हैं, ये राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति, अभी यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो हमने इससे पहले भी बताया था कि वो भरतनाट्यम भी करती हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य भी करती हैं। उसके बाद यहाँ पर नवरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाग भी इसमें दिखाए जाते हैं। ये कथकली का है। देखिए तीसरा डांस है कथकली। कथकली केरल का डांस है। यह केवल पुरुष मंडली के द्वारा किया जाता है और कथकली को पूर्व का गाथा गीत भी कहते हैं। पूर्व का गाथा गीत और जो महाकाव्य हैं और जो पुराण हैं ये इसकी विषय वस्तु होती हैं कथकली केरल की। ये देखा होगा आपने। और कथकली में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो चेहरे के जो 9 महत्वपूर्ण भाव हैं, अलग अलग भावनाएं जो हैं वो दिखाया जाता है, उसको नवरस कहते हैं। और रीता गांगुली और गोपीनाथ कथकली के मुख्य नृतक हैं। चौथा डांस हम देखें मोहनी अट्टम। मोहनी अट्टम डांस केरल का है। ये मोहन जब विष्णु भगवान ने स्त्री का रूप लिया था, मोहनी का रूप लिया था और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, तो वो जो कहानी आपने सुनी होगी वो भगवान विष्णु के मोहनी रूप की है। और क्योंकि ये समुद्र जल मंथन केरल के किनारे पर हुआ था इसलिए केरल में इस मोहनी अट्टम नृत्य को किया जाता है। इसमें एक 40 मूल नृत्य गतियां होती हैं, उन्हें अटावसु या उटवकुल कहते हैं। मोहनी अट्टम में मेन यही आता है, आप माधुरी अम्मा याद रखिए, जया प्रभा मेनन याद रखिए, कला मंडल और सुनंदा नायर।
इसमें मेन माधुरी अम्मा एग्जाम में आता है, जिसका संबंध मोहिनी अट्टम से है। अगर हम ओडिसी नृत्य देखें तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, जिसे आज के समय ओडिसा भी कहते हैं, और मुख्य रूप से महारी द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और जैन राजा जो कलिंग नरेश खारवेल थे उन्होंने इसको संरक्षण दिया था। ओडिसी नृत्य काफ़ी हद तक भरतनाट्यम के जैसा ही होता है, परंतु त्रिभंग मुद्रा जो है ये इसकी विशेष मुद्रा है, और पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करने की जो इसमें विधि है उसको मंगलाचारण कहते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आती है। अगर आप कभी आईएएस की तैयारी भी करेंगे तब भी आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। बाटू नृत्य, बाटू ओडिसी नृत्य का एक भाव नृत्य है, और ओडिसी नृत्य में जल तत्व को प्रतीकबद्ध किया जाता है, जल तत्व को। केलुचरण महापात्र इसके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, सोनल मानसिंह, शेरॉन लोवेन ये यूएसए की हैं, और गिरला बारवी ये भी विदेश से इनका संबंध है। अगला देखिए, मणिपुरी डांस जो है इसका उद्गम लाई हरोबा फेस्टिवल जो होता है ये वहाँ पर मणिपुरी डांस किया जाता है। प्राचीन समय में ये शिव और पार्वती के दैवीय रूप को इसमें दिखाया जाता था, और वर्तमान समय में अब इसमें कृष्ण के जो नृत्य हैं उनको दिखाया जाता है। मणिपुरी नृत्य को राजा भागचंद्र ने पुनर्जीवित किया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस नृत्य से है, तो ऑब्वियसली ये कोई नृतक तो थे नहीं, परंतु इन्होंने जो शांति निकेतन बनाया था वो शांति निकेतन में, कलकत्ता में शांति निकेतन में इन्होंने मणिपुरी नृत्य को अपने शांति निकेतन में शामिल किया था, इसलिए मणिपुरी का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से भी है। एक नागबंध मुद्रा मणिपुरी में बहुत ही मुख्य आसन है। महिलाएं जो होती हैं एक बहुत लंबा सा स्कर्ट पहनती हैं, और रास लीला या राधा कृष्ण की जो लीला है वो इसका मुख्य अवयव है। जो आपने मणिपुरी नृत्य देखे होंगे, सुने होंगे, आने वाले क्लासेस में आप सुनेंगे, संकीर्तन और थांगटा इन दोनों से प्रभावित है मणिपुरी। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पहले आ भी चुका है, झवेरी बहने का संबंध किससे है, तो झवेरी बहने रंजना और दर्शना ये दो मेन याद रखने हैं आपको, जिनका संबंध किससे है, मणिपुरी नृत्य से। अगला जो नृत्य है कथक, उत्तर प्रदेश का ये जो मुख्य नृत्य है कथक है, हालांकि कथक का जन्म भी मणिपुर में हुआ था, परंतु कथक को उत्तर प्रदेश के शासकों ने पेट्रोनेस किया, और 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया। देखिए कथक में मेनली जो बहुत सारे घराने होते हैं, तो एग्ज़ाम में ये कई बार पूछ लेते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके घराने का नाम पूछ लेते हैं, यूपी में ये जनरली पूछे जाते हैं। देखिए कथक में जो चक्कर लगाते हैं और पैरों की जो चलने की आवृत्ति होती है और चक्कर होते हैं, उन्हीं के आधार पर कथक को पहचाना जाता है। इसमें आनंद जो है नृतक मंच में प्रवेश करने तो आनंद कहते हैं, हल्की हरकतें जो नृत्य करता है हाव भाव से उन्हें ठाट कहते हैं, और तीव्र लय के साथ जब लघु अंश दिए जाते हैं तो उन्हें तोड़े कहते हैं। उसी तरह जुगलबंदी जो है, जुगलबंदी इसका सबसे प्रमुख है, ये नृतक और जो तबला वादक है उसके बीच में जो आपस में जुगलबंदी होती है वो कथक का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। उसके बाद पंडित और तराना, इनका संबंध किससे है, कथक से। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती देवी, इन सब का संबंध कथक से है। एक होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय असम का है। आपने सुना होगा शंकर देव जो थे ये एक शरण संप्रदाय को
असम लेकर गए थे, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है कि वैष्णव आंदोलन को असम में ले जाने वाले कौन थे, शंकर देव। इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख है और इसमें हाथ के हाव भाव और कदम ताल के बीच का संबंध होता है। देखिए, आपने जो असम का अंकिया नाट सुना होगा वो भी एक तरह का यही डांस होता है। और देखिए, अगर संगीत नाटक एकेडमी कहती है तो आठ नृत्यों का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। आठ नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, पर जो संस्कृति मंत्रालय है वो उन आठ नृत्यों में छऊ नृत्य को भी शामिल कर लेते हैं। तो देखा आपने, इसमें आपको बहुत सारे, ये आपको दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में मिलेगा, बिरजू महाराज यूपी एसआई के एग्ज़ाम में भी आया था, और इसमें जुगलबंदी ये भी कई एग्ज़ाम में आ चुका है। दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आपको झवेरी बहनों का भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आ जाता है, अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं तो लगभग आपका एक नंबर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही रोज़ आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की वीडियो बना देंगे और कुछ ही दिन में आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर बोलें। तो धन्यवाद।